हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। हमारी आज की रेसिपी है कैर की सब्जी। इसे कैरिया, करील या टेंट भी कहा जाता है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है और राजस्थान में खूब पाया जाता है, इसलिए आपको जब भी मौका मिले या कहीं से कैर मिले तो आप इन्हें ज़रूर लाएं। ताज़ा कैर के अलावा ये आपको ड्राई फॉर्म में मार्केट में मिल जाते हैं। कैर का टेस्ट थोड़ा सा कसैला यह थोड़ा सा कड़वापन लिए हुए होता है और इन्हें बनाने के लिए हमें पहले इन्हें तैयार करना पड़ता है। इसके लिए हम एक बर्तन में इतना पानी लेंगे जिसमें कैर आराम से डूब जाएं। उसमें 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे और उन्हें ढककर 2 दिन के लिए रख देंगे। 2 दिन के बाद हम इन्हें 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे और इसमें दूसरा पानी डालेंगे। इसके साथ ही 1 गिलास छाछ या 1 कटोरी दही और 2 टेबलस्पून नमक डालकर इसे ढक देंगे और 4 से 5 दिन के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। अब इन्हें दोबारा साफ पानी से 3-4 बार धो लेंगे और ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपके तैयार किए हुए सारे कैर आपको एक साथ नहीं बनाने हैं तो आप बाकी के बचे हुए कैर को नमक के पानी में डालकर फ्रिज में रख दें और हर हफ्ते इनका पानी बदलते रहें। ये 2-3 महीने खराब नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से तैयार किए हुए कैर लिए हैं। अब हमें इन्हें थोड़ा सा क्रश करना है। इसके लिए मैंने पत्थर की कुंडी ली है। अगर इस तरह की कुंडी ना हो तो आप अदरक कूटने वाली कुंडी भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़े थोड़े करके कैर डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा कूट कर क्रश कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, कैर के 2 पीस हो जाएं इतना ही क्रश करना है। अब इन्हें 1 कटोरी में निकाल लेंगे। हम कैर थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे क्योंकि अगर सारे कैर एक साथ डालें तो कुछ कैर बारीक पिस जाएंगे और कुछ कैर साबुत ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से सारे कैर को हल्का सा क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में भी इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और मिक्सी को बिल्कुल 1 सेकंड के लिए चलाएं, वरना इनका बारीक पेस्ट बन जाएगा। कैर बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। 1 कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और इसे तड़कने देंगे। जीरे के तड़कने पर इसमें मीडियम पीसेस में कटा हुआ 1 बड़ा प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैंने मोटी लेयर का प्याज लिया है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और इससे सूखी सब्जियों का टेस्ट बढ़ जाता है। इसके साथ ही 1 सूखी लाल मिर्ची को तोड़कर इसमें डाल देंगे और इसे 1 मिनट सॉटे करेंगे। प्याज हल्के से ट्रांसुलेंट होने लगे हैं। अब इसमें 4-5 कली लहसुन की क्रश करके और 2 हरी मिर्ची स्प्लिट करके डाल देंगे। अब लहसुन में से अच्छे से खुशबू आने तक इन्हें रोस्ट करेंगे। लहसुन पक गया है। अब इसमें 3/4 टीस्पून नमक और 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे मिला देंगे। अब इसमें कैर डालकर मिला देंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम कैर लिए हैं। अगर आप ज़्यादा कैर ले रहे हो तो मसाले और प्याज का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दें। इसे अच्छे से मिलाने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सब्जी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सब्जी पक चुकी है। अब इसे एक बार मिला लेंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून मोटा कुटा धनिया और 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची डालकर इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब्जी स्पाइसी अच्छी लगती है और इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा डलते हैं। बाकी आप जैसा पसंद करते हैं उसके हिसाब से मसाले डालें। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढक कर 4 से 5 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि मसालों के फ्लेवर्स सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। कैर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये अस्थमा और जॉइंट्स पेन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।